यदि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके किसी भी क्वेश्चन के कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इज 10 ओम एंड हैज़ 10 वोल्ट एट इट्स टर्मिनल, फाइंड द मैक्स पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड। ये मान लीजिए कोई सोर्स है और ये क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इससे जुड़ा है हमारा क्या, लोड। देखिए मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगा जब सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे RS है और लोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RL होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे ना तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है 10 वोल्ट है सोर्स का वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है 10 वोल्ट, और जो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 10 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं I बराबर वी अपन आर से, तो वोल्टेज जो है सोर्स का तो वोल्टेज है VS और रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस कहाँ होगा, लोड का रेजिस्टेंस। अब देखिए जो सोर्स का वोल्टेज वो कितना दिया है, 10 है, और जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 10 और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो है वोल्टेज वो 10, तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। अब जो होगा पावर जो होता है वो क्या होता है, I² × RL, मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र करेगा। ये तो हो गया करंट, कितनी करंट आएगी यहाँ पे, 0.5। अब जो पावर ट्रांसफ़र करेगा वो इतना होता है I² RL से, I² की आप वैल्यू रखिए, और जो लोड का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 वाट। ये हमारा चौथा क्या हो जाएगा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है हमको पी और क्यू के अक्रॉस। तो आइए, कभी भी हम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पता करने के लिए हम लोग पहले राइट हैंड साइड से मूव करते हैं, इधर से हम देखेंगे। ये देखिए एक और एक क्या है, ये जब करंट यहाँ से आएगी तो ऐसे आएगी, तो एक और एक क्या होगा, सीरीज में होगा, तो एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो 2 के 2 जब पैरेलल में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये दो जब पैरेलल में हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा ये 1 ओम होगा, ठीक। अब देखिए जो ए और ये जो 1 ओम है और ये जो 1 ओम है, अब ये किस केस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से आप बना सकते हैं आप 2 ओम। अब देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, 2 ओम 2 ओम, तो 1 ओम हो जाएगा। यानी P और Q के अक्रॉस जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में बोला गया, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करेंट विल बी। सपोज मान लीजिए कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें फ्रिक्वेंसी को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, वो भी कितना, हाफ। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है एक, अब देखिए फ्रिक्वेंसी को जो जब आप कम करेंगे तो एक्सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रियल भी कम होगा। तो एक्सेल के कम हो जाने से अब देखिए इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो होता है, जब इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए फ्रिक्वेंसी को हमने हाफ कम किया है, तो करंट फ्रिक्वेंसी हाफ कम होगी, इम्पीडेंस भी हाफ ही कम होगा, तो इस केस में करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स। और यदि यही कैपेसिटर रहता तो जैसे कैपेसिटिव सर्किट रहता तो उस केस में क्या होता,
ये आप जानते हैं वन अपान ओमेगा सी टू बाई एफ इंटू सी से। अब देखिए अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कम करेंगे तो ये सी भी कम होगा और ये क्या हो जाएगा इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस के केस में देखते हैं फ्रिक्वेंसी डाउन हुआ तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा। अब जब इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो हमारी करंट क्या हो जाएगी फिर से क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। यानी ये इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो दोनों के केस में जब फ्रिक्वेंसी डाउन करेंगे हाफ से तो करंट क्या हो जाएगी टू टाइम्स मोर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लगभग ऐसे होता है, ये जो होता है जब कोई लोड ना हो तो इस केस में स्पीड क्या होगी मैक्सिमम होगी। जैसे ही लोड को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन आएगा तो उस आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा स्लाइटली डाउन होगा यानी मतलब बहुत थोड़ा सा ही डाउन होगा। तो इस केस में क्या होगा पहला ऑप्शन होगा स्लाइटली डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप, तो इस क्वेश्चन में बात किया गया है कि मैक्सिमम वोल्टेज और करंट गेन किस केस में होंगे। तो आइए देखते हैं ये पीएनपीएन ट्रांजिस्टर है पीएनपी, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये होता है एमीटर और ये होता है कलेक्टर। हम बैटरी से इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे पी फॉर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा हमारा ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब इस टर्मिनल को इसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगा तो अब दोनों केस में क्या होगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया तो हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज और करेंट का जो गेन होगा ना वो कॉमन एमीटर में ही मिलेगा। यहाँ पे हम किसी भी सप्लाई का इनपुट देंगे और आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा तो हमेशा कॉमन एमीटर का यूज़ करते हैं मैक्सिमम वोल्टेज और करंट गेन के लिए ऑलवेज। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। आपके कोई भी क्वेश्चन के डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।